गॉड लव्स ऑल, उन्स से ही गॉड मिलेगा। इफ यू लव गॉड देन यू मस्ट लव ऑल टू। सेक्युलरिटी इन द इंडियन कॉन्टिनेंट 700 years ago भी। अनदर थिंग दैट सपोजिटली ऑलमोस्ट इज ओल्ड और मुगल टाइम से तो एटलीस्ट इज द फूड स्टाइल्स। आई डोंट नो कितना सच है बट एक, द फूड हियर इज सपोज टू बी अमेजिंग स्पेशली द नॉन वेज एंड टू, द फूड हियर इज सपोज टू बी कुक्ड इन द सेम ओल्ड स्टाइल्स फॉर जेनरेशंस अपॉन जेनरेशंस। चिकन बिरयानी है और एक बीफ बिरयानी। ज़्यादा चिकन दिन में बनाते हैं, 6-7 दफे बना लेते हैं इतना, और एक बन जाता है 4-5, दोनों सेम ही बनता है। निजामुद्दीन आए हैं तो दरगाह तो जाना ही होगा। Thus I've heard their langar is excellent. यहाँ पर जो होती है दाल रोटी भी होती है, कड़ी चावल भी होते हैं, छोले पूरी भी होते हैं, मुर्गा भी होता है, बकरे का भी होता है, हर जिस तरह से लोग जैसे कहते हैं उस तरह से यहाँ पर बनवा के रखते हैं, फिर वो उसी तरह से यहाँ तकसीम करते हैं। कुछ सामान हमारी यहीं बनता अपना और बाकी जो सामान होता है हमारा पुरानी दिल्ली से बनकर आता है, वो अब से नहीं बहुत सदियों से बनता हुआ चला जा रहा है। यहाँ के जो हमारी जो कमेटी होती है वो खाना अपना करती है, सारा अपना बनाती है, और जो मेहमान होते हैं वो वहाँ से आते हैं यहाँ आके वो अपने हाथ से ही तकसीम करते हैं खाना सारा, इनसे नहीं। वो तो अपनी दुकानें लेके बैठे हुए हैं, खाने को अपना सामान भेजते हैं, अपने घर चले आते हैं। दरगाह से कोई मतलब नहीं उन चीज़ का, दरगाह से बाहर क्या हो रहा है हमें नहीं पता। बस ये था कि बस्ती जो है हमारी वो दरगाह से मतलब बिल्कुल जस्ट लगी हुई है, तो कोई भी सौदा वगैरह में भी लेना पड़ता है तो वहाँ बस्ती में हम जाके चीज़ें ले लेते हैं। बस्ती में छोटी छोटी दुकानें भी खुली हुई हैं और पुराने हम लोगों के मकान हैं, जो अपना सबका एक भाईचारा है जिसके अंदर हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं बस्ती के अंदर। निजामुद्दीन की नॉन हिस्टोरिक, नॉन लोकल, नॉन बिरयानी बट क्वाइट टेस्टी चिकन पुलाव के बाद आई बीन टोल्ड मोनीश कदा होटल इज द प्लेस टू गो अगर कुछ ऑथेंटिक एंड हिस्टोरिक चाहिए हो तो। कबाबे सीख हैं हम, करवटें हर सू बदलते हैं, जो जल उठता है ये पहलू तो वो पहलू बदलते हैं। स्पेशली दिल्ली की डिश है और दिल्ली के अलावा और भी जगहों पर खाई जाती है, लेकिन इतने शौक से जितने शौक से दिल्ली वाले खाते हैं। और खास तौर से आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की ईजाद किरदा है, क्योंकि उस ज़माने में दिल्ली की फिजा में आलूदगी बहुत, यानी प्रदूषण बहुत फैल गया था, हर आदमी नज़लो ज़ुकाम की शिकायत करता था। नहार के मानो होता सुबह का अव्वलीन वक्त प्रभात काल में ही मिलती थी, और इसकी खास पहचान ये है कि इसमें अदरक पकड़ी है ऊपर से डाली जाती है, जिसकी वजह से आदमी खाता है तो उसकी आँख से आंसू नाक से पानी बहने लगता है, अगर तेज ना हो तो ये नहारी पसंद ही ना की जाए। शफीक साहब कबाब ले जाइए, इसलिए नहारी सुबह बनती है, लेकिन अब जायके के चक्कर में आदमी शाम में भी बनने लगी, और शाम में सुबह से ज़्यादा। नारी निहारी पे कैसे, निहारी जो है एक तो इसके ऊपर जो मेन है मीट मेन, उसके बाद आते हैं मसाले हमारे अपने होते हैं, मसाले हम साबुत लेके अपने हाथ से पीसते हैं। हमारा यहीं से जब ताज़िया यहाँ से रुख्सत होता है कुछ यहाँ पर लंगर जारी कर देते हैं, कुछ सुबह जब वहाँ करबला शरीफ जाता है तो वहाँ पर लंगर लेके जाता है। अच्छा। और अब से नहीं, हमारे पुरखों से यही चली आ रही है। उन्होंने बहुत कुछ करा, हम थोड़ा करते हैं मगर करते जरूर। परिवार तो था ही यही का, और बस्ती तो वही हमारी बस्ती है, बस्ती तो है ही हमारी बस्ती, बस्ती तो समझ लो हमारा दिल है।
बस्ती में सिर्फ दो ही कास्ट रहती थी, एक कुरैशी एक दूसरे निजामी, एक दूसरे को इनवाइट करा जाता था। दरगाह शरीफ में कोई भी प्रोग्राम हो मतलब स्पेशली या तो कार्ड आएगा या स्पेशली वहाँ से आएंगे कि भाई बड़ा दिन प्रोग्राम है सर आपको बुलाया। और हमारी भी जिम्मेदारी ये रहती है कि नहीं हमने जब ऐसे जैसे एक घर के दो भाई बस सब एक ऐसे थे एक ग्रुप एक दूसरे गम खुशी में शामिल होने वाले। अब से नहीं हम अपने बड़ों से भी यही सुनते रहे किसी का कोई गम हुआ तो चाहे नॉन मुस्लिम है चाहे मुस्लिम है सब एक साथ बैठे क्या खुशी हुई तो सब लोग एक साथ बैठे। आज भी बस्ती में वैसे ही माहौल है क्योंकि जिस धरती ने हमें गोद में इतना बड़ा कर दिया उस धरती की खिलाफत नहीं कर सकते। हम तो 1 लाख के बीच में 1 करोड़ के बीच में कहते हैं हिंदुस्तानी हैं भाई इंडियन पक्के बस खल्ला और कुछ नहीं जानते हैं। चलिए आप खाना खाइए फिर हम चाय पे आते हैं। उन्स कितना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है द लव दैट बाइंड्स अस ऑल टुगेदर। सूफी ट्रेडिशंस जो आज भी निज़ामुद्दीन में जिंदा हैं। व्हेन आई गॉट हियर आई डिडंट रियलाइज मैं यहाँ कितने मिसकंसेप्शंस लेकर आई थी। सच कभी अपनी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग ही निकलता है चाहे खाने की मार्केटिंग का सच हो या फिर बस्ती के डायनामिक्स का।